आज हम चैप्टर नंबर फोर्थ के पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं फाइंड द हाइस्ट नंबर हाइस्ट नंबर को किस तरह फाइंड करते हैं एम एस एक्सल में आज हम वो पढ़ेंगे ठीक है यू कैन यूज़ द मैक्स फंक्शन टू फाइंड द हाइस्ट नंबर इन ए सीरीज़ ऑफ़ नंबर्स आप मैक्स फंक्शन यूज को यूज़ करके हाइस्ट नंबर को फाइंड करोगे सीरीज़ में सीरीज़ ऑफ नंबर्स में तो सबसे पहले आपको क्या करना है मूव टू सेल एट सेल को मूव करना है एट में जैसे कि ए है यहाँ ए एट में टाइप मैक्स आपने क्या करना है सेल को मूव करके एट में आपने मैक्स टाइप करना है उसके बाद प्रेस द राइट एरो टू मूव टू सेल सेल बी एट प्रेस करना है राइट एरो को फिर उसके बाद मूव करना है सेल बी एड को पे ठीक है सेल को मूव किया बी एड में फिर उसके बाद आपको क्या करना है टाइप मैक्स टाइप लिख के इक्वल टू मैक्स फिर इस तरह से ये लिखना है बी वन फिर फिर बी थ्री ठीक है फिर प्रेस एंटर करना है द हाइस्ट नंबर इन द सीरीज विच इज़ थर्टी थ्री अपेयर फिर इसके बाद आप ये वाला जो है वो टाइप करने के बाद आप प्रेस से एंटर का की जो है वो आप प्रेस करोगे तो आपका हाइस्ट नंबर सीरीज़ जो है वो थर्टी थ्री निकल के आ जाएगा ठीक है जिसे इन्होंने इस पिक्चर में किया हुआ है काउंटिंग द नंबर इन ए सीरीज़ ऑफ नंबर्स अब नंबर्स को काउंट करना सीरीज में ठीक है यू कैन यूज़ दौट फंक्शन टू कौंट द नंबर ऑफ नंबर्स इन ए सीरीज आपने यूज़ करना है इस फंक्शन को नंबर्स को कौन करना है या सीरीज़ में लिखने के लिए ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है टू मूव सेल नाइन ए नाइन सेल को नाइन में जो है मूव करना है ठीक है टाइप कॉन्ट्स फिर आपने कॉन्ट लिखना है नाइन में ए नाइन में कॉन्ट टाइप करना है उसके बाद प्रेस करना है हाई हाइट एरो हाइट राइट एरो को आपने क्लिक प्रेस करना है की टू मूव सेल थ्री जब इस राइट right एरो को आप मूव कर, प्रेस करोगे तो सेल जो है मूव हो के सी नाइन में आ जाएगा सी नाइन में आ जाएगा यहाँ पे ठीक है सी नाइन में फिर उसके बाद चॉइस द होम टाइप फिर आपने होम टाइप जो है वो चॉइस करना है क्लिक द डॉन एरो नेक्स्ट ऑटो सम बटन फिर आपने क्लिक करना है डॉन एरो पे फिर नेक्स्ट ऑटो सम जो है वहाँ पे क्लिक करना है वहाँ ऑटो ऑटोसम यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है ऑटोसम पे क्लिक करोगे तो क्लिक कौन नंबर्स फिर वहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे सम एवरेज कुछ ऐसे लिखा होगा फिर यहाँ पे कौन नंबर से उस पर आपने क्लिक करना है एक्सेल प्लेस द कौन फंक्शन इन द सेल नाइन एंड टेक्स एगेज एट विच सेल्स यू वॉन्ट टू तो कौन फिर सेल नाइन में जो आपको कौन सा जो सेल्स है उसको कौन करना है ठीक है वो गेस करेगा द गेस इज़ इनकोरेक्ट यू मस्ट से लेक प्रॉपर सेल अगर गैस जो है आपने गलत इनकोरेक्ट किया होगा तो आपको उस सेल को प्रॉपरली उसको सेलेक्ट करना है उस सेल को ठीक है फिर क्या करना है सेलेक्ट बी टू बी थ्री बी बी वन से लेके बी थ्री तक आपने सेलेक्ट करना है प्रेस एंटर उसके बाद एंटर प्रेस करना है द नंबर ऑफ आइटम्स इन दिस सीरीज विच इज़ ये थ्री अपेयर्स फिर उसके बाद सीरीज नंबर ऑफ आइटम्स जो सीरीज़ है वो थ्री अपेयर्स होके आ जाएगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं आप फिलिंग सेल्स ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सेल्स को किस तरह फील करना है वो यू कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू फील द सेल्स ऑटोमेटिकली विद ए सीरीज ऑफ वैल्यूज आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करोगे इन उन सेल्स को आटोमेटिकली फ़िल करने के लिए किसके साथ सीरीज के साथ ऑफ वैल्यूज़ के साथ ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव एक्सेल ऑटोमेटिकली फील यूर वर्कशीट डेज ऑफ द वीक मंथ ऑफ द ईयर ईयर और अदर टाइप्स ऑफ सीरीज जैसे कि आप इसको एक्सेल को ऑटोमेटिकली जब यूज़ करोगे आपकी वर्कशीट के लिए फील करने के लिए जैसे कि डेज वीक्स मंथ ईयर जो भी हैं जिस तरह के टाइप्स की सीरीज है उनके लिए ठीक है सी बिलो द एग्ज़ाम्पल द फॉलोइंग डेमोस्ट्रेट फीलिंग द मंथ ऑफ द ईयर यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन दिया हुआ है कि मंथ को किस तरह आपने फील करना है तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे जनवरी जैन फिर इसके फुल फॉर्म पूरा लिखा हुआ है जनवरी फिर है क्लिक द शीट टू टाइप क्लिक शीट पे क्लिक करना है टू टाइप पे एक्सेल मूव टू शीट टू एक्सेल जो है वो मूव हो के शीट टू पे जाएगा मूव टू सेल ए वन सेल को मूव करके ए वन पे लेके जाना है ठीक है टाइप जे एन फिर यहाँ पे जे एन लिखना है मूव टू सेल बी वन फिर उसके बाद बी वन में सेल को मूव करना है टाइप जनवरी वहाँ पे आपने जनवरी लिखना है सेलेक्ट सेल ए टू बी वन फिर उसके बाद सेल सेल जो है उनको ए वन से लेके बी वन तक सेलेक्ट करना है चॉइस द होम टाइप फिर होम टाइप को चॉइस करना है क्लिक बोल्ड बटन बोल्ड बटन पे क्लिक करना है एक्सेल बॉल्ट सेल ए टू बी वन एक्सेल में जो बॉल्ट सेल की जो उन कुछ सेल्स को जैसे कि ए वन से ले कर बी वन तक वो बॉल्ट हो जाएगा फाइन द स्मॉल ब्लैक स्क्र इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेलेक्ट एरिया फिर जो ए, आपने स्मॉल जो स्केर जैसे कि आपने लोअर राइट्स right जो कि आपने कॉर्नर सेलेक्ट किया था वो एरिया सेलेक्ट करके द स्मॉल ब्लैक जो छोटा सा ब्लैक ब्लैक हो क्या जाएगा ठीक है स्कीयर इस कॉलेड द फील हैंडल स्केयर्स को आप क्या कहते हैं फील हैंडल कहते हैं ठीक है ग्रेप द फील हैंडल एंड ड्रग विथ यूर माउस टू फील सेल ए टू वन अब अपनी माउस के साथ उन सेल्स को फील करना है ए वन से लेके बी ट तक ठीक है फिर उसके बाद हाउ द डेज ऑफ दी वीक फील द सेल इन सीरीज आल्सो नोट दैट ऑटो फील ऑप्शंस बटन अपेयर जब पहले आपने जैसे कि आपने पहले जनवरी लिखा था फिर बी वन में आपने ए वन में आपने जनवरी लिखा था बी वन में भी आपने जनवरी फुल लिखा था ठीक है बी वन में जनवरी फुल लिखा था उसके बाद आपको क्या करना है अपनी एरो के साथ आपने ये जो सेल्स है उसको पूरे नीचे तक ट्वेल्थ तक जैसे कि हमारी बारह महीने होते हैं तो बारह महीने तक आपने बारह तक आपने इसको खींच के ले जाना है ठीक है खींच के ले के जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो सीरीज़ में फिल होके इस तरह से आ जाएगा जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इस तरह से आ जाएगा ठीक है ये हो गया आपने सेल्स को किस तरह फिल करना था वो उसके बाद कॉपी सेल्स सेल्स को किस तरह कॉपी करना है उसके तरीके क्लिक द आटो फिल ऑप्शन बटन वहाँ पे आटो फिल ऑप्शन का बटन होगा वहाँ पे आपने क्लिक करना है द आटो फिल ऑप्शन मेन्यू अपेयर ऑटो फिल ऑप्शन जो है मेन्यू अपेयर हो जाएगा वहाँ पे चॉइस द कॉपी सेल रेडियो बटन आपने चॉइस करना है कॉपी सेल रेडियो बटन ठीक है द एंटर इन सेल ए एंड बी वन आर कापी टू दाई लाइट सेल्स फिर जब आप एंटर करोगे सेल्स ए वन से लेके बी वन तक तो वो सारा जो है कॉपी होके हाईलाइट होके सेल्स हाईलाइट होके आ जाएगा क्लिक द आटो फिल ऑप्शन बटन अगेन उसके बाद आपने दोबारा से ऑटो फिल ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करना है चॉइस द फिल सीरीज़ रेडियो बटन फिर उसके बाद आपने चॉइस करना है फिल सीरीज़ रेडियो बटन में द सेल्स फिल ए सीरीज़ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर सेल जो है वो फिल होके सीरीज़ में फिल होके आ जाएगा किस कहाँ से जनवरी से ले कर दिसम्बर तक दोबारा से फिल होके आ जाएगा क्लिक द आटो ऑप्शन फिल बटन अगेन या दोबारा से आपने ऑटो फिल जो ऑप्शन है उसको दोबारा से दबाना है फिर उसके बाद च्वाइस द फिल विदाउट फॉर्मेटिंग रेडियो बटन आपने चॉइस करना है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग ठीक है द सेल्स फिल एज ए सीरीज़ फ्रॉम संडे टू सटरडे फिर ये सेल जो है वो सटरडे से लेकिन संडे तक फिल होकर सीरीज में आ जाएगा बट द एंटर्स आर नॉट हाईलाइट इन बोल्ड टाइप बट ये एंटर होके हाईलाइट नहीं होगा बोल्ड टाइप में ठीक है बॉल टाइप में नहीं होगा फिर उसके बाद है दोबारा से फिर से फिल ऑटो ऑप्शन को दोबारा से क्लिक करना है चॉइस द फिल मंथ रेडियो बटन फिर मंथ के जो रेडियो बटन है वहाँ पे आप उसको चॉइस करना है द सेल फिल ए सीरीज़ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर सेल जो है वो फिल होके जनवरी से लेके दिसंबर तक फिल होके आ जाएगा सी बिलो फिर आप इस तरह से आप देख पाओगे फिर इसको कॉपी करने के लिए ठीक है दोबारा से आपने ऑटो फिल का ऑप्शन दबाते जाना है वो कॉपी होके आ जाएगा ठीक है आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है कॉपी का ऑप्शन ये कॉपी सेल सेल को कॉपी किया था यहाँ पे, ठीक है इनको सेलेक्ट करने के बाद सेल को कॉपी किया था उसके बाद उन्होंने बोला था फाइल विदाउट फॉर्मेटिंग यहाँ पे जो विदाउ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है फिर उसके बाद फील मंथ फील मंथ पे क्लिक करेंगे तो वो जनवरी से लेके दिसंबर तक फिर से कॉपी होके आ जाएगा ठीक है आज का टॉपिक यहीं तक खुदा हाफिज